राजगढ़ी राजे राजा राम जी संग सोने सिया महारानी राजगढ़ी राजे राजा राम जी संग सोने सिया महारानी अनुपम शाश्वत अभिनव प्राकृत राजा राम जी संग तो है सिया महारानी राजगढ़ी राजे राजा राम जी संग तो है सिया महारानी। नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अयोध्या में फिर त्रेता युग जीवंत। में आज भगवान राम का सांकेतिक राष्ट्र कर रहे हैं। राजगढ़ी राजे राजा राम जी संग सोने सिया महारानी राजगढ़ी राजे राजा राम जी संग सोने सिया महारानी अनुपम शाश्वत अभिनव प्राकृत जोड़े सरस सुहानी सुहानी राजगढ़ी राजे राजा राम जी संग तो है सिया महारानी राजगढ़ी राजे राजा राम जी संग तो है सिया महारानी। अयोध्या में इस वक्त जो नजारा है काफी अलग है, शायद ही इससे पहले आपने इस तरह की तस्वीर अयोध्या में देखी हो। हर बार दीपावली मनाई जाती है, हर बार अयोध्या नगरी सजती भी है, लेकिन पहले की अयोध्या और अब की अयोध्या में बहुत फर्क है। भव्य दीपोत्सव का राम की पड़ पर आयोजन हुआ है। 36,000 लीटर तेल, 12,000 वॉलंटियर, 12 लाख दियों से राम नगरी जगमगाएगी। अब से कुछ ही देर में जो दीपक हैं, वो जो दिए हैं, वो अपनी रोशनी बिखेरना शुरू कर देंगे और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो पिछली बार बनाया गया था उस वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी तोड़ा जाएगा। पहले 7.5 लाख दियों का रिकॉर्ड था, जो इस बार 9 लाख से ज्यादा हो गया है। तो इस बार की जो दिवाली है अयोध्या में वो काफी भव्य होने वाली है। तमाम सारी तैयारियां की गई हैं। और एक बार फिर से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा, राम की पैड़ी पर होगा लेजर शो। लेजर शो के साथ ही 500 ड्रोन कैमरे भी निगरानी में हैं। 13 झांकियां सजाई गई हैं। सीएम योगी जो हैं सरयू में आरती करेंगे। पहली बार रामायण दिखाई जाएगी। तो 1 तारीख से लगातार तैयारियों में लोग जुटे हुए हैं। जो दीपों की संख्या है वो निरंतर उसको बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है और आज जो दिए हैं वो अपनी छटा बिखेरेंगे और पूरे अयोध्या को रोशन कर देंगे, जगमग कर देंगे। 9 लाख दिए जो हैं उन्हें लगातार कई मिनटों तक जलाया जाएगा। इसके पहले सीएम योगी आदित्यनाथ दोपहर में अयोध्या पहुंचे और जिस हेलीकॉप्टर से वो आए उसे पुष्पक विमान की तरह सजाया गया था। उसके बाद उन्होंने जो श्री राम हैं उनका राज्याभिषेक किया और उसके बाद आप तस्वीरों में देख सकते हैं जब श्री राम का राज्याभिषेक किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद, और उसके बाद सीएम ने स्पीच भी दी और तमाम सारी बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि अब जो राम भक्त हैं उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि श्री राम की ताकत का ही नतीजा है जो लोग
राम भक्तों पर गोली चलवाते थे, वो अब रामलला के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। इस दौरान उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर हमला करने से भी नहीं चूके। उन्होंने साफ कहा कि आज की तारीख में, वर्तमान समय में कोई भी कार सेवक हो, उसे डरने की जरूरत नहीं है। अब गोलियां नहीं चलाई जाएंगी उन पर, बल्कि फूल बरसाए जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ वहां मौजूद हैं। कुछ ही देर में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है 9 लाख दियों का, वो बनेगा। उसके अलावा लेजर शो का एक आयोजन किया गया है और 337 फीट की स्क्रीन लगाई गई है, जिसमें महर्षि वाल्मीकि द्वारा राम कथा सुनाई जाएगी। तो अयोध्या में जो तैयारी है बहुत भव्य चल रही है। पिछले 3 दिनों से लगातार भव्य तैयारियों का आयोजन हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पहुंच चुके, उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं, तमाम सारे मंत्री मौजूद हैं। इसके अलावा 5 देशों से 10,000 लोग भी पहुंचे हैं और इस ऐतिहासिक दीपावली का, ऐतिहासिक नजारे का गवाह बनने पहुंचे हैं। तो राम की पैड़ी कुछ ही देर बाद जगमगाती नजर आएगी। 9 लाख दीपों से ये रोशन होगी। जो 30 घाट हैं राम की पैड़ी में, जो 30 घाट हैं वहां ये 9 लाख दीप अपनी छटा बिखेरेंगे। अयोध्या में फिर से त्रेता युग जीवंत दिखाई दे रहा है और दिखाई देगा। एक ऐतिहासिक नजारा अब से कुछ ही देर में देखने को मिलेगा। तमाम सारे लोग वहां मौजूद हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद वहां मौजूद हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं और उनकी पूरी कोशिश है कि अयोध्या की दीपावली इस बार की काफी भव्य हो और एक इतिहास रचे। ये तस्वीरें हैं जब सीएम वहां पहुंचे थे और उन्होंने राम का राज्याभिषेक किया था। इसके पहले जो एक शोभा यात्रा निकाली जाती है, परंपरा चली आ रही है, एक शोभा यात्रा दीपावली के मौके पर निकाली जाती है, अयोध्या में भ्रमण करती है। उसको जो डिप्टी सीएम है दिनेश शर्मा, उन्होंने हरी झंडी दिखाकर उसे रवाना किया। उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा राज्याभिषेक किया गया। एक जो पूरी प्रक्रिया है जो उस वक्त में थी जब रावण का वध कर श्री राम अयोध्या पहुंचते हैं, उसके बाद जो रस्में, जो रिवाज, जो रीति निभाई जाती है, उसको फिर से दोहराने की एक कोशिश की गई है और एक बहुत सराहनीय कोशिश की गई है। इससे पहले इस तरह की कोशिश किसी ने नहीं की। सरकारें तमाम दलों की रही, तमाम पार्टियों की रही, सब निष्ठा भी दिखाते थे, कुछ लोग बचते भी थे, लेकिन जो अब ये नजारा देखने को मिल रहा है वो इससे पहले कभी भी देखने को नहीं मिला है। और इसका पूरा क्रेडिट अगर कहें तो इसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को जाता है और जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं सीएम योगी आदित्यनाथ उनको जाता है। जो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं ये जब मुख्यमंत्री नहीं भी थे उसके पहले से वो लगातार राम मंदिर का मुद्दा उठाते रहे हैं और अब राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, जिसमें अहम भागीदारी जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ निभा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं इस वक्त अयोध्या की, जहां राम और जो सीता हैं जो कलाकार के रूप में वहां उपस्थित हैं और जो दीप आप इस वक्त देख सकते हैं, दीप जलाने का जो कार्यक्रम है वो शुरू होने वाला है और दीपों की जो संख्या है वो 9 लाख बताई जा रही है। पिछली बार का जो रिकॉर्ड था वो 7.5 लाख था, इस बार 9 लाख सिर्फ 30 घाट जो हैं राम की पैड़ी पर वहां जलेंगे। उसके अलावा 3 लाख और दीप भी जलाए जाएंगे। कुल मिलाकर 12 लाख दियों को जलाया जाएगा, जिनकी रोशनी से पूरी अयोध्या रामनगरी जो है वो जगमग हो उठेगी, रोशन हो उठेगी। इससे पहले शायद ही आपने कभी इस तरह का नजारा
अयोध्या में देखा हो। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब सीएम योगी आदित्यनाथ मंच पर पहुंचते हैं और जो श्री राम का राज्याभिषेक करते हैं, जो कलाकार के रूप में इस वक्त श्री राम और सीता का अभिनय कर रहे हैं, इन सब का इन सबकी आरती उतारते हैं और हेलीकॉप्टर से 3 राउंड पुष्प वर्षा भी हुई है। ये तस्वीरें हैं रामलला की और पूरा अयोध्या रामनगरी जो है इस वक्त राममय हो गई है और भक्ति आस्था से सरोबोर है। तमाम सारे लोग वहां पहुंचे हैं, दूर दूर से लोग पहुंचे हैं। अगर अपने देश की बात करें, इसके अलावा 5 देशों से भी करीब 10,000 लोग आज इस ऐतिहासिक दिन का गवाह बनेंगे। तो अयोध्या में त्रेता युग फिर से जीवंत हो उठा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीएम जो है पहली तस्वीर में नजर आ रहे हैं, जहां वो सबके पास पहुंचते हैं, आरती उतारते हैं, राज्याभिषेक करते हैं और उपहार स्वरूप वो उन्हें समर्पित कर रहे हैं। तो भव्य दिवाली का आयोजन किया गया है अयोध्या में। 36,000 लीटर तेल इस दीपोत्सव में खर्च होगा। इसके अलावा आपको बता दें, करीब 1 करोड़ के ग्रीन पटाखे भी जलाए जाएंगे और जिसकी वजह से जो पटाखे जलाए जाएंगे वो पॉल्यूशन फ्री होंगे और आसमान जो है वो सतरंगी हो जाएगा जब ये पटाखे छुड़ाए जाएंगे, जिनकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ग्रीन पटाखे हैं जिससे पॉल्यूशन नहीं होगा। लेजर शो का आयोजन किया गया है और एक बड़ी सी भव्य स्क्रीन बनाई गई है जो प्रोजेक्शन के थ्रू चलेगी, मल्टी डायमेंशनल पूरा शो होगा, जिसमें महर्षि वाल्मीकि जो है वो राम कथा सुनाते हुए नजर आएंगे। 337 फीट की ये स्क्रीन बनाई गई है, लेजर शो का आयोजन किया गया है, दीप जो हैं वो जो दिए जलाए जाएंगे वो अपना अलग रिकॉर्ड बनाएंगे, पटाखे जो हैं ग्रीन पटाखे भी छुड़ाए जाएंगे। तो शायद ही इससे पहले इतिहास में कभी अयोध्या में इस तरह की भव्य दिवाली मनाई गई हो। 500 ड्रोन कैमरे जो हैं वो सुरक्षा और निगरानी में लगाए गए हैं। सीएम जो हैं सरयू आरती भी करेंगे। तो इसी पर हम बने रहेंगे, अयोध्या में फिर से त्रेता युग जो है जीवंत नजर आ रहा है। वक्त एक ब्रेक का है, फॉर लौटिंग आज भगवान राम का सांकेतिक राष्ट्र कर रहे हैं। राजगद्दी राजे राजा राम जी संग सोहे सिया महारानी। राजगद्दी राजे राजा राम जी संग सोहे सिया महारानी। अनुपम शाश्वत अभिनव प्राकृत जोड़े सरस सुहानी सुहानी। राजगद्दी विराजे राजा राम जी संग तोहे सिया महारानी। राजगद्दी विराजे राजा राम जी संग तोहे सिया महारानी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दीपो ज्योतिर परब्रह्म, दीपो ज्योतिर जनार्दन, दीपो हरतुमे पापम, दीप ज्योतिर नमोस्तुते। दीपावली अंधकार पर प्रकाश की विजय का दिवस, झिलमिलाते दीपों की रोशनी से
प्रकाशित यह पर्व उल्लास और उमंग का संदेश दे रहा है। प्रिय प्रदेशवासियों, आपको सपरिवार दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेम और सद्भावना के इस ज्योति पर्व पर माँ लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। आपको गोवर्धन पूजा और भाई दूज की भी हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय उत्तराखंड। सुबह के लिए उड़ चला गारों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। में आज भगवान राम का सांकेतिक राष्ट्र कर रहे हैं। राजे राजा राम जी संग सोहे सिया महारानी। राजगद्दी विराजे राजा राम जी संग सोहे सिया महारानी। अनुपम शाश्वत अभिनव प्राकृत, अनुपम शाश्वत अभिनव प्राकृत, जोड़े सरस सुहानी सुहानी। राजगद्दी विराजे राजा राम जी संग तोहे सिया महारानी। राजगद्दी विराजे राजा राम जी संग तोहे सिया महारानी। के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अयोध्या में फिर त्रेता युग जीवंत। जी हां, अयोध्या में इस वक्त भव्य दिवाली का आयोजन किया जा रहा है। कई वर्ल्ड रिकॉर्ड भी टूट रहे हैं। जो पिछली बार दियों की संख्या थी, उस बार वो रिकॉर्ड भी टूट रहा है। अब आपको चार तस्वीरें दिखाते हैं क्या क्या अयोध्या में अभी तक हुआ है। पहली तस्वीर पुष्पक विमान, जब सीएम योगी आदित्यनाथ उससे अयोध्या पहुंचे हैं। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं शोभा यात्रा की है। जो शोभा यात्रा निकाली जाती है माननीय मुख्यमंत्री महोदय राष्ट्र लग गया भगवान राम का और पूरा भ्रमण करती है अयोध्या में। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं शोभा यात्रा की, एक परंपरा है कि पूरा भ्रमण होता है। और तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, एक अलौकिक दृश्य नजर आ रहा है। आप राजा राम का एक कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि उस वक्त जब श्री राम अयोध्या लौटे थे तो उनका किस तरह से स्वागत होता है। मंच पर राम लक्ष्मण सीता नजर आ रहे हैं। और चौथी तस्वीर में आप देख सकते हैं राज्याभिषेक करते नजर आ रहे हैं सीएम। और ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं सीधे अयोध्या से। सभी एक साथ बोलेंगे, बोलो जय श्री राम। भव्य तैयारियां की गई हैं। जय जय श्री राम। दीपक प्रज्वलित होने के पश्चात सभी वॉलेंटियर्स हमारे पीछे की ओर आ जाएंगे। मंच पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करेंगे। जो वॉलेंटियर्स हैं उनकी जिम्मेदारी है दीपक को जो है उनको जलाने की। लगातार वो दीपक जलने का सिलसिला, जलाने का सिलसिला लगातार चल रहा है। केंद्रीय मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति भारत सरकार, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, स्वागत वंदन अभिनंदन। माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। माननीय मंत्री पर्यटन संस्कृति धर्मार्थ कार्य श्री नीलकंठ तिवारी जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। माननीय जल शक्ति मंत्री, स्वागत वंदन अभिनंदन है। माननीय सांसद अयोध्या, आपका स्वागत अभिनंदन। आप कृपया सभी नीचे बैठ जाएं, आगे की ओर आ जाएं। जो पीछे दीपक प्रकाशित हो गए हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। सभी से निवेदन है कि कृपया आगे की ओर आ जाएं, नीचे की तरफ बैठ जाएं। और हमारे एम्बेसडर ऑफ वियतनाम रेस्पेक्टेड फार्म सान चाओ जी, आपका स्वागत अभिनंदन है। हाई कमिश्नर ऑफ केन्या श्री विली बेट जी, आपका स्वागत अभिनंदन है। हाई कमिश्नर ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो डॉक्टर रोजर गोपाल, आपका भी स्वागत अभिनंदन है।
स्वागत वंदन अभिनंदन दीप प्रज्वलित करके आप कृपया नीचे बैठ जाएं। दीपों की रोशनी यहाँ तक नहीं पहुंच पा रही है, मंच से पूरी तरह से ये दृश्य परिलक्षित नहीं हो रहा है। आज का दिन बहुत शुभ है। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि कृपया दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ करें, अपने शुभ कर कमलों से दीपक का प्रज्वलन करें। तो दीपों के जलाने का सिलसिला लगातार चल रहा है, दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं। आपको वो तस्वीर भी दिखा देते हैं जो सीएम योगी आदित्यनाथ दीपोत्सव 2021 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय माननीय कुलपति प्रोफेसर रविशंकर सिंह की तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड टीम ड्रोन कैमरे से आपके इस इवेंट को कैप्चर कर रही है। कृपया दिए जला करके घाट खाली करें। आप सभी से विनम्र अनुरोध है, कृपया दिए जला करके घाट को खाली कर दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से अति आदर के साथ विनम्र निवेदन है कि कृपया दीप प्रज्वलन करके इस संध्या का शुभारंभ करें। माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी हमारे जितने भी महानुभाव गणमान्य हैं, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमोस्तुते साज्यम वर्त संयुक्तम वन हिना योजितम शुभम सिद्धार्थम सर्व कार्योयम मंगल दीपम नमाम्यहम मंगल दीपम नमाम्यहम मंगल दीपम नमाम्यहम। तो 9 लाख जो दिए हैं वो 30 घाट जो हैं राम की पैड़ी के वहां प्रज्वलित होंगे और बाकी दियों की संख्या अगर मिला दे तो ये संख्या 12 लाख दीप प्रज्वलन के साथ ही तस्वीरें आप देख सकते हैं ये पूरी अयोध्या नगरी दीप प्रज्वलित करे जा रहे हैं घाटों पर प्रकाशमय उनकी तस्वीर है और इस जगमगाती संध्या का शुभारंभ योगी आदित्यनाथ ने भी पहला दीप उत्तर प्रदेश के जलाकर कमलों के माध्यम से इसका शुभारंभ कर दिया है। इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं वो सबसे पहले वहाँ बहुत बहुत धन्यवाद प्रज्वलित करते नजर आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कृपया सभी जितने समस्त लोग बैठे हैं उनसे निवेदन है कि कृपया घाट खाली कर दें, नीचे बैठ जाएं और ये निवेदन है कि कृपया जितनी भी लाइट्स हैं उनको ऑफ कर दें क्योंकि ड्रोन के माध्यम से विश्व रिकॉर्ड के लिए गणना प्रारंभ हो चुकी है। तो दीपों की जो गणना है वो भी शुरू हो चुकी है, ड्रोन के जरिए इन दीपों को काउंट किया जाएगा। खाली कर दें। वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ड्रोन कैमरे से आपके इस इवेंट को कैप्चर करेगी और उसके पश्चात बताएगी कि आपने कितना बड़ा इतिहास रचा है, अयोध्या नगरी को आपने विश्व पटल पर किस तरह से रखा है कि आज आपने 11 लाख दिए प्रज्वलित करके भगवान श्री राम का स्वागत किया है, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत किया है। सभी स्वयं सेवकों से अनुरोध है कृपया घाट खाली कर दें। आप सबसे विनम्र अनुरोध है कृपया घाट खाली कर दें ताकि ड्रोन कैमरे से इस इवेंट को कैप्चर किया जा सके। निवेदन करूंगी कि कृपया सभी लाइट्स ऑफ कर दी जाएं। ड्रोन कैमरा इस विश्व रिकॉर्ड को की गणना करने के लिए तत्पर है, कृपया 5 मिनट के लिए सभी लाइट्स ऑफ कर दी जाएं। और मेरे साथ एक साथ बोलेंगे जय श्री राम, जय जय श्री राम। ड्रोन गणना कर रहा है, इस तट पर 11 लाख दीपक बिछाए गए हैं और अभी कुछ ही देर में हमारी गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड की टीम और पर्यटन अधिकारी ये उद्घोषणा करेंगे कि ये जो प्रयास किया गया है कितने दीपक प्रज्वलित हैं यहाँ पर। मैं बताना चाहूंगी कि पिछले 4 वर्षों से हम हर वर्ष रिकॉर्ड बना रहे हैं।
तो लगातार आप देख रहे हैं अयोध्या में दिव्य दिवाली। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। में आज भगवान राम का सांकेतिक राष्ट्र लग रहे हैं। राजगद्दी राजा राम जी संग सोहे सिया महारानी। राजगद्दी विराजे राजा राम जी संग सोहे सिया महारानी। अनुपम शाश्वत अभिनव प्राकृत जोड़े सरस सुहानी सुहानी। राजगद्दी विराजे राजा राम जी संग तोहे सिया महारानी। राजगद्दी विराजे राजा राम जी संग तोहे सिया महारानी। आप देख रहे हैं की न्यूज खबरों का सारथी। दिवाली बधाई हो दादी। अरे काहे बात की बधाई बिटिया, त्योहार तो ही बड़े लोगों का होता है, हम गरीबन का कौन पूछता है। कोई बात नहीं दादी, ऊपर वाला आपके लिए जरूर कुछ करेगा। बिटिया तुम जाओ यहाँ से, ये ऊपर वाला भी ना बड़े लोगों की ही मदद करता है, हम जैसन की नहीं। उत्तर राज्यों में भी मौसमी गतिविधियां बंद हो जाएंगी, हालांकि अगले 24 घंटों तक। बड़ी खबर न्यूज पर शुरू हो चुकी है। दिवाली का बड़ा जश्न योगी आदित्यनाथ की तरफ से अयोध्या को खूबसूरत तरह से सजाया जाएगा। दादी मैं दो और दीरे ले लूं? बेटा अरे मैंने कहा था ना ऊपर वाला जरूर कुछ करेगा। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है तूने मेरी सुन ली। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। अंकल प्लीज 25 रुपए से एक पैसा कम नहीं होगा बेटे, दे दो ना अंकल प्लीज। सॉरी बेटा, इसके पैसे मैं दे दूंगा। थैंक यू। आपने क्यों दे दिया सर? जो देश का कल लिखेंगे उनकी कलम नहीं रुकनी चाहिए सर। क्या बात है भाई, अगर तू एजुकेशन को लेकर इतना ही सीरियस है तो ऐसे पैसे देने से अच्छा दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप प्रोग्राम देश के मेंटर में रजिस्टर क्यों नहीं कर देता? मतलब वहां तो किसी बच्चे का बड़ा भाई बनकर उसे गाइड कर सकता है, उसकी कंफ्यूजन दूर कर सकता है, उसे एजुकेट कर सकता है। पकड़ इसको। क्या बुक कर रहे? मेंटरशिप में रजिस्टर कर रहा हूं। सही। दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप इनिशिएटिव देश के मेंटर से जुड़ने के लिए 7500400004 पर मिस्ड कॉल दें। खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इसी बीच खबर उन्नाव से आ रही है, तेज रफ्तार ट्रक ने कई लोगों को रौंदा है। सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। भगदड़ में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। हिट एंड रन का ये मामला बताया जा रहा है। तेज रफ्तार ट्रक ने घटना को अंजाम दिया है। हादसे के बाद हाईवे पर भगदड़ मची है। भगदड़ में कई लोगों के घायल होने की खबर है। उन्नाव का ये घटनाक्रम है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। लखनऊ से कानपुर की ओर ये ट्रक जा रहा था। जांच मऊ के कल्लूपुरवा के पास ये हादसा हुआ है।
इसी खबर पर हमारे संवाददाता अरुण अवस्थी जुड़ गए हैं उन्नाव से। अरुण, क्या वजह थी जो हादसा हुआ है, किसकी लापरवाही है और क्या अपडेट है इस वक्त? बिल्कुल, जिस तरीके से ये दुर्घटना हुई है बड़ा विभत्स घटना है और मुख्य मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग का मामला है, गंगाघाट थाना क्षेत्र की घटना है। कल्लूपुर एक गांव पड़ता है जहां अमरूद सड़क के किनारे लगाए हुए लोगों से अमरूद खरीदने के लिए वैगन आर सवार लोग उतरते हैं, उसमें से चार संख्या होती है वैगन आर सवार लोगों की जो अमरूद खरीद रहे होते हैं, और उसी समय पीछे से आ रहा एक ट्रक जो अनियंत्रित होता है और इस वैगन आर को भी टक्कर मारता है, जो सड़क पे अमरूद खरीद रहे होते हैं उनको भी रौंदते हुए आगे निकल जाता है। इस पूरी घटना में चार लोगों की मौत होती है, चारों लोगों को जिला अस्पताल लाया जाता है, हालांकि तीन लोग मौके पे ही उनकी मौत हो जाती है और एक को जिला अस्पताल लाते लाते रास्ते में मौत हो जाती है। इस तरीके से इस पूरी घटना में चार लोगों की मौत होती है और कई लोग और घायल होते हैं, जो घटना को लेकर के ट्रक को अनियंत्रित होने के बाद जिस तरीके की सामना करना दिख रहा था कि ये ट्रक अनियंत्रित है और इधर उधर भाग रहा है, उसके बाद जो लोग राहगीर के जो अन्य लोग थे वो लोग भी भागते हैं और भागने के दौरान वो लोग भी घायल होते हैं। हालांकि पूरे मामले में सिर्फ चार लोगों की मौत होती है और कोई भी ऐसा नहीं है जिस जो गंभीर रूप से घायल हुआ हो या जिसको अस्पताल में भर्ती कराने की आवश्यकता हुई हो। जी अरुण, जो ट्रक चालक है क्या उसको गिरफ्त में लिया गया है? बिल्कुल, जिस तरीके से जो ट्रक चालक की अगर बात करें तो ट्रक मौके से निकल गया और ट्रक चालक को पकड़ने के लिए हालांकि पुलिस फोर्स ने काफी प्रयास भी किए हैं, तो लेकिन अभी तक ये स्थिति क्लियर नहीं हो पाई है कि ट्रक को पकड़ा गया अथवा नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण तमाम जानकारी के लिए। तो नाव से खबर आपको बता रहे थे जहाँ पर तेज रफ्तार ट्रक ने कई लोगों को रौंदा है जिनमें चार लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फॉरन लौटे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। साल 2013 के दौरान श्री केदारनाथ धाम में आई आपदा में आदि गुरु श्री शंकराचार्य की समाधि को भी भारी क्षति पहुंची थी। श्री केदारनाथ को साक्षी मानकर लिया गया एक महान संकल्प, ऐसा भव्य दिव्य आदि शंकर का वो स्थान बने, उनका समाधि स्थल बने और वो भी ऐसे बने कि आदि शंकर का स्थान केदार से थोड़ा सा भी अलग हुआ ऐसा अनुभव न करे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशन में श्री केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण के साथ साथ आदि गुरु श्री शंकराचार्य की समाधि भी पुनर्निर्मित की गई है। आध्यात्मिक चेतना के वाहक आदि गुरु श्री शंकराचार्य का ये समाधि स्थल भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के श्रद्धापूर्वक संकल्प का ही परिणाम है। शुक्रवार 5 नवंबर को श्री केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा आदि गुरु श्री शंकराचार्य का पवित्र समाधि स्थल राष्ट्र को अर्पित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने परम पूज्य आदि शंकराचार्य जी की समाधि के पुनर्निर्माण का जो संकल्प लिया था वह संकल्प आज सिद्ध हो रहा है। यह प्राचीन भारतीय संस्कृति सनातन धर्म परंपरा के पुनरुत्थान का महान सुअवसर है, जिसकी आप सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। खुशबू अपने पन की ढूंढता, दूर कितना भी जा इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। दिवाली आ रही है, आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सब दिल्लीवासी मिलके भगवान राम का स्वागत करेंगे, पर पटाखे नहीं बजाने, प्रदूषण नहीं करना। हम सब 2 करोड़ दिल्लीवासी मिलके एक साथ दिवाली पूजन करेंगे। मैं अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ दिवाली वाले दिन शाम 7 बजे पूजन करूंगा, इसका सीधा प्रसारण होगा। आप सब भी मेरे साथ अपने अपने घरों में पूजा करना। तो आइए साथ मिलके दिवाली मनाएं, भगवान राम का आशीर्वाद लें, हमारी दिल्ली पे हमेशा राम जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम।
रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अयोध्या में दिव्य दिवाली। आपको वापस अयोध्या ले चलेंगे जहां दीपोत्सव जो कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है। तमाम सारे जो दिए हैं वो जला दिए गए, प्रज्वलित कर दिए गए, उनकी काउंटिंग चल रही है। भाग्यशाली अंश को, राम की पावन पवित्र जन्मभूमि को। इक्ष्वाकु वंश प्रभ वो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। मैं केवल राम कहूं तो मर्यादा के समस्त सर्वोच्च मापदंड स्वतः परिभाषित और स्थापित हो जाते हैं। फिर भी मैं उन आदर्शों को बार बार रेखांकित करता हूँ जो राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाते हैं। रहा हूं अयोध्या नगरी से देवलोक तक हर्ष की ध्वनियां गूंज उठी हैं। त्रिलोकी नाथ प्रभु श्री राम ने मां कौशल्या की कोख से प्रकट होकर पृथ्वी लोक को धन्य कर दिया है। नारायण के बाल स्वरूप के दुर्लभ दर्शन कर देवी कौशल्या कृतज्ञ हो रही हैं। उनकी बाल लीला देखने को लालायित हो रही हैं। माता की मौन आज्ञा का पालन कर राम आनंदित हो रहे हैं। मैं देख रहा हूं इधर राम किशोरावस्था में पदार्पण कर रहे हैं, उधर असुरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। महर्षि वाल्मीकि जो हैं वो राम कथा का पाठ कर रहे थे। विश्वामित्र के साथ राम सानिध्य मात्र से परित्यक्त अहिल्या का उद्धार कर स्त्री सम्मान का लोक बोध कराते हैं। गुरु विश्वामित्र के साथ राम जनकपुर पहुंचे हैं। वीरता, गंभीरता एवं कोमलता, इन समस्त गुणों और आचरणों को एक साथ धारण करते हुए राम दिखते हैं इसी जनकपुर में। मनोहारी छवि से युक्त दो राजकुमार राम एवं लक्ष्मण को देख वाटिका का हर पुष्प कौतूहल में है एवं उत्सुकता में है। जनक दुलारी सीता श्याम वर्ण के राम के अनुपम सौंदर्य को देखकर सीता आह्लादित हो उठी है। स्वयंवर में शिव धनुष भंग करने वाले को सीता वरण कर लेंगी। हिला सकान जिसे कोई बलशाली, राम ने खंडित कर दिया है पल में उस शिव धनुष को। परंतु राम
राम के पौरुष की परीक्षा तो अब होने वाली है। परशुराम के क्रोधपूर्ण आवेश को क्रोध से नहीं कोमलता से ग्रहण करते हैं श्री राम और वीरों की मर्यादा को नई ऊंचाई देते हैं। आज राम अयोध्या पधार रहे हैं, संग में संगिनी सीता है। नगर भर में सीता के सौंदर्य और सियाराम की अनुपम जोड़ी के वर्णन हो रहे हैं, परंतु विधि का विधान तो कुछ और ही संकेत दे रहा है। कैकेयी हठ ठान बैठी हैं, अयोध्या के सिंहासन पर भरत बैठेंगे और राम 14 वर्षों के वनवास को जाएंगे। दशरथ स्तब्ध हैं, स्तब्ध है सारी नगरी। विवादों और विमर्शों से कुल की मर्यादा की रक्षा हेतु राम वन गमन को सहर्ष स्वीकार करते हैं। प्रसन्नता और अप्रसन्नता के भाव से परे राम नगर छोड़ चल पड़े हैं वन को। राम केवट को निषाद राज की उपाधि से अलंकृत करते हैं, दोनों समान हैं इसका बोध कराते हैं एवं गंगा पार कराने के लिए विनय पूर्वक आग्रह करते हैं। राम मानव समाज में ऊंच नीच के भेद को नकारते हैं। राम चित्रकूट में अपना सुंदर संसार बसा चुके हैं, उधर कुटुंब एवं अयोध्या वासियों समेत भरत राम को मनाने अयोध्या से चल पड़े हैं। चित्रकूट में भरत को परम स्नेह से सिंचित करते हैं राम। राम सीता और लक्ष्मण ने चित्रकूट से आगे चलकर पंचवटी में जीवन का आनंद ढूंढ लिया है। अब इस राम कथा में मैं राक्षसी कन्या शूर्पणखा का प्रवेश देख रहा हूँ। शूर्पणखा के प्रणय निवेदन को तो कोई सामान्य विवाहित पुरुष भी अस्वीकार कर देगा, ये तो राम है। तो क्या लक्ष्मण स्वीकार करेंगे शूर्पणखा का प्रणय निवेदन? कदापि नहीं। शूर्पणखा के नासिका विच्छेद के साथ ही शूर्पणखा अध्याय का अंत हो जाएगा, संशय है मुझे। उधर माता सीता ने राम के सामने स्वर्ण मृगछाल प्राप्ति की लालसा प्रकट कर दी है। राम स्वर्ण मृग की सत्यता जानते हैं, परंतु वर वचन की प्रतिज्ञा को धारण करने वाले राम सीता के आग्रह को ठुकरा ही नहीं सकते। मारीच शत्रु है। तो लेजर शो के जरिए स्क्रीन पर आप सुन रहे थे महर्षि वाल्मीकि जो है रामायण का पाठ कर रहे थे। वक्त एक ब्रेक का है, फॉर नोटिंग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दीपो ज्योतिर परब्रह्म, दीपो ज्योतिर जनार्दना, दीपो हरतुमे पापम, दीप ज्योतिर नमोस्तुते। दीपावली अंधकार पर प्रकाश की विजय का दिवस, झिलमिलाते दीपों की रोशनी से प्रकाशित यह पर्व उल्लास और उमंग का संदेश दे रहा है। प्रिय प्रदेशवासियों, आपको सपरिवार दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेम और सद्भावना के इस ज्योति पर्व पर माँ लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। आपको गोवर्धन पूजा और भाई दूज की भी हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय उत्तराखंड। दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों।
दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। चलो यहाँ पर पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ। बाय बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अयोध्या में दिव्य दिवाली। वापस आपको एक बार फिर से अयोध्या ले चलेंगे, जहां इस वक्त महर्षि वाल्मीकि जो है वो रामायण का पाठ कर रहे हैं लेजर शो और स्क्रीन के जरिए। ये आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। रावण की स्वर्ण जड़ित लंका की दमक, राम की भक्ति और प्रतिबद्धता से भरे हनुमान के ओज के आगे मंद पड़ जाती है। हनुमान की युक्ति काम आती है। रावण का स्वर्ण भवन एवं स्वर्ण सज्जित लंका जल कर स्वाहा हो जाती है। लंका में भीषण युद्ध छिड़ चुका है। रावण की सेना के एक एक महारथी राम के हाथों मोक्ष को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु राम अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्ट हैं। राम का लक्ष्य है सत्य की स्थापना। युद्ध के मैदान में ये कैसी अशुभ घड़ी आ गई है। मूर्छित लक्ष्मण की रक्षा के लिए संजीवनी लाना संभव भी है या नहीं? परंतु जो हृदय में धरे है राम की भक्ति, उस हनुमान के लिए क्या संभव क्या असंभव। राम को बोध है रावण के अवगुणों का। राम दंडित करेंगे रावण को और खंडित करेंगे दंभ उसका। राम की सत्य शक्ति और रावण का पराक्रम टकराएंगे। क्या होगा परिणाम आज, व्याकुल हैं देव सभी। राम ने मारे एक साथ 31 बाण, कट गए रावण के समस्त सिर, सूख गया नाभि का अमृत कुंड, गिर गया दसानन धरती पर। जय घोष उठा है देवलोक से। सत्य पर सत्य की विजय स्थापित करते हैं राम। सीता अपने राम को पाकर आज पुनः पूर्ण हो गई हैं। प्रसन्न हैं
तीनों लोकों के देवता गण। राम की मर्यादा पुनः परिभाषित हुई, मेरी अयोध्या नगरी के अतिशय हर्ष की एक और घड़ी आ गई है। प्रभु राम और देवी सीता की चरण धूलि को पाकर अयोध्या पुनः धन्य हो जाएगी, धन्य हो जाएंगे अयोध्या वासी। दीपों से सज रही है नगरी सारी, मानो राम के अभिनंदन को अयोध्या की धरती पर उतर आए हों सब ग्रह और तारे। दीपमालाओं की स्वर्ण किरणों से आलोकित अयोध्यापुरी की ऐसी शोभा देख देवलोक भी विस्मित और आनंदित है। प्रभु श्री राम के स्वागत उत्सव दीपोत्सव के इस उल्लास में गूंज उठी हैं जय घोष ध्वनियां। बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, जय जय दशरथ सुत जय रघुनंदन, जय जय रघुवर जय कौशल्यानंदन, जय जय रघुनंदन जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। तो प्रोजेक्शन मैपिंग के जरिए आप राम कथा सुन रहे थे, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा जो राम कथा लिखी गई उसको आप सुन रहे थे, देख रहे थे, समझ रहे थे। फिलहाल इस खास पेशकश पे इतना ही।